नमस्कार। एनएमएमएस और ओलंपियाड की तैयारी के लिए एक जो मेंटल एबिलिटी पर आधारित, रीजनिंग पर आधारित जो प्रश्न है उसका एक कंटेंट लेकर मैं हाजिर हूँ आपको डाइट फैकल्टी की तरफ से। यहाँ ध्यान ये रखेंगे कि जो दिशा पर आधारित रीजनिंग के प्रश्न होते हैं वो आधे मैथमेटिकल हैं और उसमें घड़ी की दिशा, अपना दाया या बायां, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो पहले प्रश्नों का क्रम देखें, फिर मैं आपसे आगे बात करता हूँ। मैंने एग्जाम्पल के लिए दो प्रश्न यहाँ पर लिए हैं। पहला प्रश्न है, श्याम अपने घर से पूरब दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, पूरब दिशा में। उसके बाद वह ठीक बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो बताइए वह अब किस दिशा में चल रहा है। ये भी हो सकता है कि ये बताएं कि अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। कई तरह के प्रश्न उसमें बन जाएंगे। और जो दूसरा प्रश्न है कि मैं अपने घर से निकलकर पश्चिम की दिशा में 2 किलोमीटर, पश्चिम की दिशा में, फिर दाई ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चला, फिर वहां से बाई ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चला, तो बताइए कि मैं अपने घर से अब किस दिशा में। वो इतनी बार घुमा रहा है आपको कि ऐसे प्रश्न को जब आप पढ़ते हैं तो इसी तरह घूमते हैं और बाद में घूमते ही रह जाते हैं। तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे पास जानकारी क्या क्या होनी चाहिए, तो जरा गहराई से समझिएगा। बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल चीज है। कुछ सीक्वेंस है, उसका क्रम आपको पकड़ के रखना है कि किस चीज को किसके साथ जोड़ के हमारे पास जानकारी हो। तो पहले तो दिशाओं का एक ज्ञान। जब मैं कागज पर बात करता हूँ, कभी भी कहीं भी किसी भी नक्शे में भी आपने देखा होगा, तो उसका एक मूल उद्देश्य है कि दिशाओं के लिए, जैसा मैंने यहाँ पर बनाया है, कागज में हमेशा ऊपर की तरफ, ये उत्तर, उसके जस्ट अपोजिट दक्षिण, इसके दाई ओर जो रहेगा वो पूर्व, और फिर उसके अपोजिट पश्चिम। ये चार दिशाएं तो क्लियर है, पर यहाँ के प्रश्नों के लिए इनकी मध्यांतर दिशा भी आपको पता होनी चाहिए। ऐसे प्रश्न भी आए रहेंगे जिनमें मध्यांतर दिशा यदि आपको ध्यान में नहीं है तो आप प्रश्नों में फंस सकते हैं। मध्यांतर दिशा का मतलब क्या हुआ? ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो इतने एरिया में जब कोई बात होगी उसकी दिशा, यहाँ कोई भी मिलेगा तो उसकी दिशा क्या कहलाएगी? उत्तर पूर्व। ठीक इसी तरह ईस्ट और साउथ, दक्षिण और पूर्व के बीच में जो होंगे वो कहलाएंगे दक्षिण पूर्व। इनके मध्य में जो आएगा पश्चिम और दक्षिण के बीच में, वो कहलाएगा दक्षिण पश्चिम। और पश्चिम और उत्तर के मध्य में जो चीज है वो कहलाएगा उत्तर पश्चिम। ये आपने रेलवे में ये खूब सुना होगा, नॉर्थ ईस्ट रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, वो इसी क्रम से है। जो भारत के नक्शे में कौन सा एरिया का मुख्यालय किधर आता है, इसके साथ आपको घड़ी की दिशा का ज्ञान होना चाहिए। घड़ी की दिशा से क्या मतलब है? पूरे भौतिक शास्त्र में जब हम इसको पढ़ते हैं, भूगोल, ज्योमेट्री में भी और फिजिक्स में भी, इसका बड़ा महत्व है। घड़ी के चलने की जो गति होती है, जो दिशा होती है, उससे हमारी दिशाओं को हम दायां या बायां में कन्वर्ट करते हैं। तो ये घड़ी है, घड़ी किस तरह चलती है आप सबको मालूम है कि वो हमारा जो हमारा प्रारंभिक बिंदु मान के, और वो फिर 1 2 3 4 ऐसा चल के आता है। तो ये घड़ी की दिशा है, इसको क्लॉक वाइज कहते हैं, वामावर्त। नाम ध्यान दीजिएगा, क्लॉक वाइज हिंदी में हम उसको कहते हैं वामावर्त। मतलब जो घड़ी की दिशा में चल रहा है वो हमारे हिसाब से उल्टा है, मतलब वो बाएं चल रहा है। जो घड़ी की दिशा में चल रहा है वो हमारे लिए उल्टा है, मतलब बायां चल रहा है। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, तब आपको वो पकड़ जल्दी बन जाएगी। ठीक इसी तरीके से यदि कोई घड़ी की दिशा के विपरीत चल रहा है, मतलब यहां जो मैंने कहा वो पहले आपको कंठस्थ हो कि घड़ी की दिशा, मतलब क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, मतलब कहां जा रहा है वो? बाया। और विपरीत है यदि घड़ी की दिशा के, इसका अर्थ है कि वो राइट हैंड में जा रहा है, दाया जा रहा है। ये दो चीजें। दूसरी बात, ये जो दूसरा प्रश्न है, मैंने इसीलिए दोनों प्रश्नों को एक साथ रखा है कि आपको दूसरे प्रश्न और पहले प्रश्न में एक अंतर है। दूसरे प्रश्न में केवल यदि आप दिशा में रह जाते हैं, दिशा और घड़ी की
चलने की गति में, तब भी आपको परेशान, तो उसमें किस दिशा में कितना ये मैटर भी है, मतलब किस दिशा में वो कितना चल रहा है उसका कंपैरिजन भी आएगा, तो वो ठीक विपरीत नहीं हो सकता। अब हल करने के पहले इसमें चार शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि शुरुआत में आप कहाँ हैं। तो जिस मूल दिशा, ये जिससे न्यूज बनता है ना आपका, न्यूज समाचार NEWS, ये हमारे मूल दिशाएं हैं, इसी से न्यूज बन गया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। ये मूल दिशा में जैसे मैं उत्तर की तरफ हूं, उत्तर की तरफ मेरा मुंह है, तो मैं उत्तराभिमुख हूं, शब्द पकड़िएगा, तब मैं उत्तराभिमुख हूं। और इन शब्दों से भी कई बार प्रश्न आते हैं, इसलिए आपको जानना चाहिए कि इनका अर्थ क्या है। इसका मतलब ये हुआ उत्तराभिमुख देख रहा है, मतलब मेरा मुंह उत्तर की तरफ है, तो सारी दिशाओं के लिए है। यदि मैं दक्षिण की तरफ मेरा मुंह है तो मैं दक्षिणाभिमुख हूं, मतलब मेरा मुख दक्षिण की ओर है। इसी तरह पूर्वाभिमुख और इसी तरह पश्चिममुख। ये चार शब्द, कभी कभी इन शब्दों से भी प्रॉब्लम्स आती हैं दिशा पर आधारित रीजनिंग के, मेंटल एबिलिटी के, तो वहां आप फंस सकते हैं। तो इतनी जानकारी होने के बाद यदि सवालों में चलें, तो जैसे पहले वाले सवाल के लिए यदि आप हल ढूंढें, तो प्रारंभिक दिशा पहले बनाइए, भाई ये नीचे का मिटा देता हूँ जिससे दिशा बार बार ना बनानी पड़े। और आप कभी भी इन सवालों को हल करिए तो कुछ मत करिएगा, आप केवल ये चीज बस बना के रखिए NSEW। हिंदी में ध्यान रखिएगा, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, और इस सवाल को शुरू करिए। आपको एक छोटा सा फिगर बनाना है इन दोनों पैटर्न को ध्यान में रख के। क्यों? क्योंकि कई बार प्रश्नों में दिशा होगी और कई बार वो दायां या बायां कह देगा। दायां या बायां के लिए मैंने क्या बताया आपको, घड़ी की दिशा। घड़ी की दिशा कैसी, यदि आपकी घड़ी की सुई की तरफ से चल रहे हैं वो क्लॉकवाइज हो, मतलब आप बायां जा रहे हैं, और यदि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो मतलब हो गया कि आप दाएं जा रहे हैं। तो पहले प्रश्न को देखते हैं, प्रारंभिक दिन यहां से स्टार्ट किया, इसका घर यहाँ पे है श्याम का, अब वो पूरब दिशा में चले, ये है हमारा बना हुआ, तो पूरब दिशा किधर है, जिस तरफ ईस्ट लिखा हुआ है, ये गया कितना चला यहाँ पर 15 किलोमीटर। अब यहाँ पर है श्याम, यहाँ पर खड़े होने के बाद वो कहता है कि ठीक बाईं ओर मुड़, अब वो किस तरफ जाए, यहां से वो उसको बाएं जाना है, बाएं मतलब किधर जाए, वो घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज यदि चलते हैं तो कहां जा रहे हैं, बायां, और यदि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं, दायां। तो ये कहां जाए, बाएं जाना है इसको, तो बायां कहां आया, कैसा चलना पड़ेगा, घड़ी की दिशा, तो घड़ी की दिशा तो इधर ही है, उधर तो जा नहीं सकते, और ये कितना आया 5 किलोमीटर। तो अब ये किस तरफ है, अपने घर से वो किस तरफ चल रहा है, ये पूछ रहा है ना, 5 किलोमीटर चलता है तो बताइए वह अब किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है, इसके हिसाब से आपको बताना है, इधर चल रहा है वो दक्षिण। अब इसी प्रश्न में यदि आपसे पूछ ले कितना चला है घर से, घर से कितनी दूर पर है, यहाँ एक चीज में शुरू में बताने से आपसे चूक गया था, यहाँ एक प्रिंसिपल बहुत खास लगेगा, क्योंकि इन दिशाओं के बीच में हमेशा 90° का कोण बनता है। तो जो इसमें मैं जोड़ रहा हूँ प्रश्न कि वो अपने घर से अब कितनी दूर पर है, तो घर तो उसका ये है, तो उसकी डिस्टेंस ये है, और ये आएगी हमेशा आपको किससे, पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय आप सबको ध्यान में होगी, 6-7-8 तक स्टैंडर्ड में ये पढ़ ली जाती है, जिसमें हम कहते हैं कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो ये कर्ण की जगह है, ये आधार की है, ये लंब की है, या ये लंब है, ये आधार है, प्रारंभिक बिंदु से तय कर लीजिए और इसमें सूत्र लगा दीजिए, तो ये सीधे सीधे इसका वर्ग और इसके वर्ग के योग का वर्गमूल, मतलब 15² और 5² का वर्गमूल जो आएगा वो आंसर होगा। अब ठीक दाएं बाएं और दिशा पर
जहां आप फंस सकते हैं उस पे आइए। तो ये दूसरा प्रश्न देखिएगा, दूसरे प्रश्न को हल करने के लिए दिशा मैंने बना रखी है और घड़ी मैंने बना रखी है। मैं अपने घर से निकलकर पश्चिम दिशा में, तो पहले घर तय करिए, ये मेरा घर है, और यहां से चल के निकलकर पश्चिम दिशा में, ये डायरेक्शन है। तो यहां से मैं आया कहां पहले, पश्चिम, कितना डिस्टेंस है इसमें 2 किलोमीटर, ये पश्चिम है। अब 2 किलोमीटर गया, फिर दाईं ओर घूमकर, अब बताइए वो कहां घूमा, दाईं ओर चलना है उसको, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज, दाईं ओर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा के विपरीत, किधर आया, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। आप पश्चिमाभिमुख है, पश्चिमाभिमुख से आपसे दाईं ओर चलना है तो किधर जाएगा, पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर गया, फिर ये वाला पहले तो सही है, दाईं ओर घूमकर 1 किलोमीटर, तो ये दाईं ओर घूमिए कितना गया, 1 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट। अब दाईं ओर घूमने के बाद फिर वहां से कहां जाएगा, मिस हो गया, दोनों में दाया लिखा होगा, पहला वाला है बाई ओर, ठीक। 2 किलोमीटर चलने के बाद पश्चिम दिशा में कहां घूमेगा, बाई ओर, बाई ओर का मतलब होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब आया ये ऊपर, कितना 1 किलोमीटर, और अब यहां से कहां जाएगा वो, दाई ओर, दाई ओर, पहले बाई ओर गया और अब दाई ओर, दाई ओर, बाई ओर का मतलब हो गया इस बार वो क्लॉकवाइज चलेगा, तो ये हुआ, मगर इस बार कितना, अब इसकी दिशा बतानी है, तो ध्यान रखिए घर आप कहिए, ये 2 किलोमीटर, मगर ये कितना चला, 1 किलोमीटर, तो ये पूरा इस डिस्टेंस में इसके डायरेक्शन में नहीं आ पाया, तो इसका डायरेक्शन हुआ, और ये डायरेक्शन इसके हिसाब से कौन सा हुआ, एन और डब्ल्यू के बीच, मतलब उत्तर और पश्चिम, ये किस दिशा में है अभी, उत्तर पश्चिम। तो यहां डिस्टेंस के साथ साथ घड़ी की दिशा और मूल दिशाओं का ज्ञान ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दायां बायां कैसे चलता है ये ध्यान रखना पड़ेगा, किस दिशा से आप प्रारंभ करते हैं ये ध्यान रखना पड़ेगा, और दिशा आधारित प्रश्नों में इसके अलावा और कोई चीज नहीं आती, पाइथागोरस थ्योरम से आप उसके डिस्टेंस जरूर निकाल सकते हैं, डिस्टेंस के कई सवाल होते हैं, तो ये आपको एनएमएमएस में विशेष रूप से ये काम आएगा। मैं समझता हूँ कि आपकी ये जानकारियाँ बहुत उपयोगी हैं, यदि शिक्षक बच्चों को लगातार जो प्रश्न पत्र आपको मिले हैं उससे आप इनको हल कराएं तो बच्चे शायद इनको हल करने की स्थिति में पहुंच सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे डाइट फैकल्टी का यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि आपको किन विषयों पर, किस कंटेंट पर मटेरियल चाहिए, हमारी एक्सपर्ट टीम उसको तैयार करेगी और वो भी आपको उपलब्ध करा देंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।